हाँ जी, 12th क्लास यार, वेलकम अगेन। तो यार, लास्ट टाइम एटम एंड न्यूक्लिया में हम लोग एटम वाला पार्ट कर रहे हैं। तो अपनी लास्ट टाइम बात चल रही थी डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की, और उसमें हम लोग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे थे यार, जो बोहर ने बताया था। यानी अपनी हेडिंग जो चल रही थी, दैट वाज बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, उसमें कई तरह के हमने फार्मूले कर लिए, उस पर बेस कई तरह के क्या कर लिए, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब छोटा सा पार्ट इसका रह गया लास्ट, जितना भी होगा 30, 35, 40 मिनट का। अब आज उसको कवर अप करते हैं, न्यूमेरिकल उस पर भी बनते हैं बेटा। तो हेडिंग डालना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, लास्ट जो लेक्चर था यार, उसी की कंटिन्यूटी है आज वाली बात। अच्छा, स्पेक्ट्रम का मतलब तो समझते ही हो कि स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ्स को, या कह लो डिफरेंट टाइप की रेडिएशन को, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर अरेंज कर दो तो उसको हम क्या कह रहे थे, स्पेक्ट्रम। जैसे प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो विबग्योर बनता है, उसको भी आप क्या कहते हो, स्पेक्ट्रम कहते हो। एक्चुअली उसमें क्या है कि वो जो डिफरेंट वेवलेंथ है उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया हमने, अरेंज कर दिया। तब तो बेटा, कौन कौन सी रेडिएशन आ रही है, उस रेडिएशन को स्टडी करना, और जो भी रेडिएशंस आ रही हैं कहीं से भी, उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर देना। उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रिज्म में से लाइट पास होगी और वो जो बनता है विबग्योर जिसको हम कहते हैं, उसको स्पेक्ट्रम कह देते हैं कि 7 अलग अलग कलर दिखते हैं। एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज हो गए ना। अगर वॉयलेट से शुरू करते हो, रेड की ओर बढ़ते हो, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। अगर रेड से स्टार्ट करते हो, वॉयलेट की ओर आते हो, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन एटम है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम, कोई भी एटम, इनकी स्टडी की जाती है, इनकी स्टडी की जाती है, इनके एटम्स को एक्साइट किया जाता है, और फिर डीएक्साइट होने के बाद ये कौन कौन सी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उसको स्टडी किया जाता है। अब वो जब स्टडी हो जाती है तो रेडिएशंस आती हैं, जो भी उनको या तो उनकी एनर्जी नोट करके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी में अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, या वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कर दो। अब इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में ये तो क्वेश्चन आने नहीं वाला, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। अब नाम आ गया था स्पेक्ट्रम, थोड़ी सी बात हमने चलो डिस्कस कर ली, तो पॉइंट तो अपना चल रहा है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमने स्टडी करना है। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करने के लिए हाइड्रोजन के एटम के जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, देखो वो तो हमें अब याद ही है कि सबसे नीचे जो लेवल है उसको कौन सा लेवल बोला था हमने, ग्राउंड लेवल बेटा, n इक्वल टू 1 वाली सिचुएशन। ठीक है, फिर उससे ऊपर वाला लेवल, फर्स्ट और सेकंड में काफी गैप होता है, ये n इक्वल टू 2 वाली सिचुएशन। फिर गैप कम हो जाता है, ये n इक्वल टू 3, और कम हो जाएगा n इक्वल टू 4, एंड सो ऑन। ऐसे करके हमने 4, 5, अब देखो गैप कम होता जाएगा, लेकिन अब मैं गैप ज्यादा कम शो नहीं कर रहा, वो ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। ये एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, और भी बहुत होंगे। कहां तक जाएंगे, इट विल गो अप टू इंफिनिटी। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया जी। ठीक है जी, दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, वो भी हमने स्टडी कर ली हुई है कि कितनी होती है। फार्मूला इसका क्या था अपने पास, कई फार्मूले थे, देखो एनर्जी के कई फार्मूले थे। एक तो बड़ा सा फार्मूला था, देखो यहां पे मुझे वो बड़े वाले फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, बाकी हमने एक छोटा वाला भी बना रखा है, तो दोनों लिख देते हैं। एनर्जी का जो फार्मूला था अपने पास,
एक तो था -13.6/n² वाला, देख वो भी यूज करेंगे। उसके अलावा अपने पास था एक बड़ा सा फार्मूला, कॉपी पलटो और निकालो, इट वॉज ई इज इक्वल टू -2π² एम के स्क्वायर जेड ई की पावर 4 इस टाइप वाला, ठीक है। तो क्या था, 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर शायद 4 ही था, और नीचे क्या था, n² h का स्क्वायर। तो एक तो ये फार्मूला भाई मुझे याद नहीं होता, मैंने अभी अभी देखा है, लेकिन यहां पर अब इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। ओके, तो e इक्वल टू -2π² एम के की पावर 2 जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ये क्या हो गया, अपनी एनर्जी का फार्मूला हमने किया हुआ है, ठीक है। इसको फिर हमने शॉर्ट में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। तो एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, खैर इसका यूज करते हुए करेंगे क्योंकि बुक्स में इसके हिसाब से होता है। उसके अलावा बेटा हमारे पास एक फार्मूला क्या है, -13.6/n², ये रिजल्ट किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रिजल्ट किसमें, जाउल्स में आता होता है बेटा। एक इसकी बात हमारे पास क्लियर है, यहां पर जेड भी है तो यह जनरल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, यह जो नीचे वाला है इसमें जेड हमने खत्म कर दिया, ये सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये अपने पास बेटा एक्सप्रेशंस थी। उसके अलावा एनर्जीज याद होंगी आपको, फर्स्ट लेवल पे कितनी आ गई थी, इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पहले में -13.6 थी मैंने बोला था, ये याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद आई थी 3.4, 1.51, तो अगली थी -3.4, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊपर वाली n इक्वल टू 3 वाली, ये 1.51 के बाद ये 0.85, 0.54, 0.37 या 0.38, ये ऐसे करके चेक कर लेना, ठीक है। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने बोल दिया था, क्या कर लेना जी, याद कर लेना। अब मान लो आपको याद है या नहीं भी है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। अब अगली बात बेटा, हाइड्रोजन में वैसे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड लेवल पर, अच्छा ये भी बताया था मैंने, फर्स्ट लेवल जो है उसको फर्स्ट लेवल तो कहते कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड लेवल। जो दूसरा है इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, n इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, ये सेकंड एक्साइटेड लेवल। तो ये आपको वैसे ही क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एटम इसके पास एक ही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन इसमें एक ही है हाइड्रोजन में, अच्छा ये एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होकर इन्फिनिटी पर भी जा सकता है, इन्फिनिटी पर जाएगा तो मतलब एटम से बाहर हो गया। मान लो इन्फिनिटी पर नहीं गया, अच्छा एक्साइट होकर किसी भी ऊपर वाले लेवल पर जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी पर चले गया मतलब ये इसके जो भी है चुंगल से बाहर निकल गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये किसी ऊपर लेवल पर गया, मान लो तीसरे लेवल पर गया, अब वहां से बेटा इसकी टेंडेंसी होगी कि जंप कर नीचे आए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट हो जाएगा, लेकिन उसने डीएक्साइट भी होना ही होना है। अब जब डीएक्साइट होगा तो इट विल लूज सम एनर्जी, अब वो जो एनर्जी लूज करेगा बेटा वो ही रेडिएशन के फॉर्म में होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह अगर हम स्टडी करेंगे तो स्पेक्ट्रम बनेगा। तो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया तो बहुत तरह की वेवलेंथ, बहुत टाइप की वेवलेंथ ऑब्जर्व की गई, बहुत टाइप की, हर तरह की वेवलेंथ ऑब्जर्व की गई। उसका रीजन था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर किसी भी लेवल के ऊपर चले जाता है, जब ये किसी भी लेवल के ऊपर जाएगा तो जब डीएक्साइट होगा तो उसने एनर्जी क्या करनी है, रिलीज करनी है।
अब जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो वापस जब आएगा तो भी किसी भी लेवल पे आ सकता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चले गया, अब सेकंड लेवल पे गया तो डी एक्साइट होते वक्त उसके पास एक ही ऑप्शन है, ग्राउंड पे आएगा तभी एनर्जी लूज होगी, बीच में तो कोई रुक नहीं सकता। लेकिन अगर ये तीसरे लेवल पे चले गया तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो सेकंड लेवल पे भी आ सकता है और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, यार वहां से डायरेक्ट फर्स्ट पे भी आ सकता है, या यहां से यहां आके फिर यहां से यहां आएगा। जो अगला है उसके पास ऑप्शंस बढ़ गई, वो थर्ड लेवल पे आकर भी एनर्जी लूज कर सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट फर्स्ट पे भी आ सकता है, एंड सो ऑन। ये मान लो फिफ्थ वाला है, उसके पास ऑप्शन क्या है, या तो सीधा चले जाए एक ही बार में एनर्जी लूज कर दे, या चौथे पे आ जाए, या तीसरे पे आ जाए, या दूसरे पे आ जाए, या तीसरे पे या दूसरे पे, जो मर्जी ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी। अब इसके हिसाब से तरह तरह की वेवलेंथ्स निकलती हैं, उन वेवलेंथ्स उन फ्रीक्वेंसी को जब स्टडी किया जाता है पूरा स्पेक्ट्रम बनता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो ऑब्जर्व क्या हुआ कि अगर तो इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर लेवल से कहां पर आता है, ग्राउंड लेवल पर आता है, ठीक है, किसी भी अपर लेवल से, इसको मिटा देते हैं, थोड़ी जगह ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, ये लाइनें क्या करनी पड़ेगी हमें, थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी, ये कर दिया हमने, ठीक है जी। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, चलो इसका यूज इतने का कर लेंगे। तो ये हो गया जी आपका ग्राउंड लेवल। तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी भी ऊपर लेवल पे जा सकता है, और वहां से उसने नीचे तो देखो एनर्जी लूज करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आना ही आना है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर हायर लेवल से, किसी भी हायर लेवल से ग्राउंड लेवल पर आते हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना बेटा, ये एक पर्टिकुलर रीजन में लाई करेंगे, किसी भी हायर लेवल से अगर डायरेक्ट कहां पर आ रही है, ग्राउंड लेवल पर, तो ये जो रेडिएशन निकलेगी ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, मतलब लगभग बराबर सी होगी किसी भी हायर लेवल से, मतलब n इक्वल टू इंफिनिटी से लेकर ग्राउंड लेवल पर आना है। ये कौन सा लेवल है, ये पहला है, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, एंड सो, ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी भी हायर से सेकेंड लेवल पर डी एक्साइटेशन हो रही है तो ये एक अलग ही टाइप की वेवलेंथ निकलती है, मतलब ये लगभग आसपास की इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ में बहुत फर्क होगा, लेकिन ये जितनी भी डी एक्साइटेशन है सबकी वेवलेंथ लगभग सेम सी होगी, उसको एक पर्टिकुलर सीरीज बोल देंगे। ओके, या फिर किसी भी हायर लेवल से बेटा यार थर्ड लेवल पे ट्रांजिशन, समझते जाना बात को, हो सकती है, या किसी भी हायर लेवल से फोर्थ लेवल पर ट्रांजिशन हो सकती है, उल्टे बना दिए, फ्रॉम एनी हायर लेवल टू एनी हायर, मतलब अब फोर्थ से ऊपर वाला ही होगा ना, फिफ्थ से स्टार्टिंग होगी तो ये थर्ड वाला हो गया, फ्रॉम एनी हायर लेवल यानी फिफ्थ से लेकर सबकी लैंडिंग किस पे हो रही है, फोर्थ पे हो रही है, ये पर्टिकुलर सीरीज बनना है, और किसी भी हायर लेवल से
यानी 6 से शुरू करूंगा, अगर ट्रांजिशन कहां पे हो रही है, फिफ्थ लेवल पे हो रही है, ये बना लेना भाई, कई बार बनाने को ही आ जाएगा ये, ठीक है जी। अगर किसी भी हायर लेवल से फिफ्थ लेवल पे हो रही है तो ये एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ है, ये वाली पर्टिकुलर टाइप की होंगी, ये वाली एक पर्टिकुलर टाइप की होंगी, यार ये अलग अलग क्या बनेंगे, सीरीज बनेंगे। अब इस ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ है इसको किस कैटेगरी में डालते हैं हम, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज जी, लाइमन सीरीज, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है, लाइमन बाल्मर। तीसरे वाले को कहते हैं पाश्चर, ठीक है, इसको ब्रैकेट और इसको पी फंड सीरीज। अब सीरीज के नाम है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी, ठीक है जी। जो बाल्मर है उसकी वायलेट रीजन में लाई करेगी, वायलेट नहीं सॉरी विजिबल, अल्ट्रा वायलेट हो गया ना, ये होगी विजिबल रीजन में। और ये जो तीनों हैं इनकी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड थोड़ा सा अनटाइडी सा हो गया होगा, एक के बीच में एक आ रही है, लेकिन क्या करें, चीजों को वहीं पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, वहीं के वहीं लिखना था ना। तो इसको कहते हैं लाइमन सीरीज, इसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट, इसको कहते हैं ब्रैकेट पास्टन ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज का सीक्वेंस याद करना है। क्या क्या, लाइमन सबसे पहले क्या आएगा, लाइमन, फिर क्या आएगा, बाल्मर, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट एंड पी फंड, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट एंड पी फंड। ध्यान से सुनना बेटा, लाइमन का मतलब किसी भी हायर से फर्स्ट लेवल पे ट्रांजिशन हुई, ठीक है, जो ऊपर वाला लेवल है उसको हमेशा हमने जहां से ट्रांजिशन हो रही है, जैसे मान लो ये अपर लेवल है ये लोअर लेवल है, तो जहां से ट्रांजिशन हो रही है उसको हमेशा मैं N2 मानूंगा और नीचे वाले को हमेशा N1 मानूंगा, ठीक है। तो किसी भी हायर से जब लोअर पे आते हैं तो अपर वाले को क्या मानना है, N2, लोअर वाले को क्या मानना है, N1। ध्यान देना बस, लाइमन सीरीज कब बनेगा कि जब तुम्हारा N2 है वो 2 से लेके इंफिनिटी कुछ भी हो, लेकिन जहां पर लैंड करना है उसने वो क्या हो, फर्स्ट हो, समझ लो बात को। किसी भी हायर लेवल से, हायर कहां से होगा लाइमन के लिए, दूसरे से इंफिनिटी तक जा रहा ना, दूसरे से स्टार्टिंग हुई, फर्स्ट लेवल पे आना, तो लाइमन सीरीज बनेगा, ठीक है। रीजन क्या होगा इसका, अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज बनेंगी। बाल्मर क्या होगा, किसी भी हायर लेवल से, यानी जो N2 की वैल्यू है वो 3 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, और लैंड उसने कहां करना है, यानी जो लोअर लेवल है वो क्या होगा, 1 होगा। लाइमन बाल्मर पास्चर, इसमें क्या होगा, अपर लेवल क्या होगा, वो 4 टू इंफिनिटी जाएगा, और लोअर जो लेवल है लैंडिंग कहां पे होगी, वो 3rd पे होगी, यहां क्या था, 2 होना चाहिए था, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, इसमें N2 जो है वो कहां से कहां जाएगा,
यार 5 से इन्फिनिटी जाएगा, 5 to infinity, और जो n 1 है वो फोर्थ पे लैंडिंग होगी ना, और पिफन में n 2 जो है यानी अपर लेवल है ये 6 to infinity जाएगा, और लैंडिंग यानी कि डी एक्साइटेशन किस लेवल पे होनी है, ये 5th level पे होनी है, ये अल्ट्रावायलेट है, ये विजिबल होगा, और ये तीनों आई आर सब पे क्वेश्चन है भाई, सब पे क्या है क्वेश्चन बनने कि भी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, लाइमन अल्ट्रावायलेट, ठीक है जी, बाल्मर विजिबल, और ये बाकी तीनों आईआर याद रख लो, ठीक है, LUV BV IR लव BV IR BV से प्यार करो, IR ये याद कर लो, ठीक है, लाइमन अल्ट्रावायलेट, अगला क्या था, लाइमन बाल्मर विजिबल, बाकी तीनों IR यानी इंफ्रारेड। ओके, अब इसको कहते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ठीक है जी, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 type की रेज निकलती हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क होता है, सबकी फ्रीक्वेंसी लगभग सेम अल्ट्रावायलेट रीजन में, थोड़ा थोड़ा फर्क लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम विजिबल, मतलब 5 अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। इसके बारे में बस याद रखना है, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफन, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी, ये चीजें भी देख ली हमने। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है कि कौन कौन सी एनर्जी, कितनी कितनी एनर्जी और कितनी कितनी वेवलेंथ निकलेगी, उसके लिए भी एक एक्सप्रेशन डिराइव करनी है हमने, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये डायग्राम यूज होगा लेकिन ज्यादा जगह ले गया, इसको मैं अभी थोड़ा सा कम कर दूंगा, मिटा दूंगा, ठीक है, लेकिन इसका यूज होगा, आपने कॉपी में बना लिया होगा, ठीक है जी, तो इसको नोट कर लो। एक पॉइंट अब और है कि वेवलेंथ कैलकुलेट अगर डायरेक्ट करनी हो तो कैसे करेंगे, ओके, नोट करो इसको, अगली बात भी कर रहे हैं। इस पूरे टॉपिक में ना एक एक्सप्रेशन और रहेगी, वो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट वाला ना एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो वो भी कैसे है या कैसे आया वो भी बताते हैं। यार मान लो ये कोई भी अपर लेवल है, ये उससे नीचे वाला, ये क्या हो गया N2, ये क्या हो गया N1, अपर वाले को देख N2 मानना है, नीचे वाले को N1 मानना है, तो यहां पे जो इसकी एनर्जी रही होगी वो होगी E2, यहां पे जो रही होगी वो क्या होगी E1, ठीक है, मतलब अपर लेवल में N की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी N2, और लोअर लेवल पे जब वो आएगा तो उसकी एनर्जी कितनी रह जाएगी E1, वहां पे N1 पुट हो जाएगा। नीचे वाला भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम नीचे वाला चलो यूज नहीं कर रहे हैं किताबों में, अब वो हमें रिडबर्ग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना ना, तो उसकी एक्सप्रेशन फुल वाली भी आ जाएगी, उसके हिसाब से करते हैं। तो बेटा ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो एनर्जी कम हो गई, अब एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी किस फॉर्म में लूज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी रेडिएशन, तो एनर्जी H nu के इक्वल होगी, लेकिन ये एनर्जी आई कहां से यार, ये जो एनर्जी है भाई इसने लूज की, पहले इसके पास E2 थी, नीचे पहुंचेगा तो E1 बचेगी, तो H nu = E2, सिंपल सी कहानी है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, E2 - E1 है। अच्छा बंदे को अगर वैसे ही बताओ तीसरा या चौथा लेवल है, मान ले मुझे बताएं कि ये दूसरा लेवल है, ये पहला लेवल है, जब यहां से आएगा तो मुझे पता है इनके बीच में 10.2 का फर्क होता है, या नहीं भी पता तो कैलकुलेट कर लूंगा, इसकी एनर्जी कितनी थी -13.6 और इसकी कितनी थी -3.5,
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो इनके बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है, वो मुझे पता है, वैसे ही पता है कि 13 है, 3 है, 13 में से 3 के 10 बज गए, 6 में से 4 के 2, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क है। अगर तो डायरेक्ट याद है भाई तो डायरेक्ट निकाल ले, जब सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो वैसे ही पता था ना 10.2 का फर्क होता है, तो 10.2 है, मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो मुझे पता है 12375 डिवाइडेड बाय 10.2, आंसर सीधा किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ये देसी तरीका तो फिर है ही, है ना। अगला जो है थर्ड से सेकंड में आ गया, दोनों की एनर्जी 6 एनर्जी तो वैसे ही मैंने बोला याद कर रखी है, उनका फर्क निकालो, ये वाला लगाओ, डायरेक्ट भी वेवलेंथ बेटा आती है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, जैसे मर्जी निकालो वो तुम्हारी मर्जी। ओके, इस मेथड से भी निकाल सकते हो, E2 और E1 की वैल्यूज आपको पता है, नहीं पता तो यहां से निकल जाएंगी, इसका यूज करते हुए भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अब बुक्स में एक और फार्मूला दिया हुआ है, अब उसकी भी डेरिवेशन करते हो, उसमें वेवलेंथ के टर्म्स में डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है, डायरेक्ट और डायरेक्ट आ जाएगा, एक बार सॉल्व कर लोगे फिर और डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब उसको देख रहे हैं बेटा हम, बीच में रिडबर्ग कांस्टेंट की भी चलो बात हो जाएगी। तो ये N2 है, ये N1 है, यहां से जब एनर्जी लूज करेगा तो कितनी एनर्जी लूज करेगा, E2 - E1, तो इसके हिसाब से H nu इक्वल टू क्या होना चाहिए, E2 - E1, ध्यान देना भाई, E2 अगर ये वाली एक्सप्रेशन यूज कर लें, ये वाली, तो एक NN का फर्क है, बाकी सब चीज तो क्या आ जानी है, कॉमन ही आ जानी है। अब अगर मैं बाहर निकालूं तो 2π² mk² e^4 × z² नीचे क्या आ जाएगा, h² यहां क्या आ जाएगा, n² - n1² लेकिन यहां पर क्या था, माइनस भी था, देख इसके पास माइनस था, अगली वाली के पास भी माइनस था, वो माइनस एज इट इज मैंने कॉमन निकाल दिया, पहले क्या लिखी हुई थी N2 E2, तो इसलिए N2 पहले लिखा, N1 पहले लिखा। अब अगर माइनस अंदर भेज दूं तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगी, H nu को क्या लिख दूंगा मैं, HC/λ इक्वल टू माइनस, माइनस अंदर भेज रहा हूं तो ये बन जाएगी बेटा जी 2π² mk² e^4 आएगा, z² आएगा, नीचे इसकी जगह H nu की जगह HC/λ कर दिया और नीचे क्या है भाई, H² है। तो ये एक्सप्रेशन बेटा बनेगी 1/N1² - 1/N2, याद रखना भाई ये अपर लेवल है, सॉरी लोअर लेवल, और ये क्या है, अपर लेवल। अगर थर्ड से सेकंड पे ट्रांजिशन हुई है, थर्ड से सेकंड पे, तो यहां पे 3 पुट होगा, यहां पे 2 पुट होगा, ध्यान रखना। ये एक्सप्रेशन आ गई। अब अगर मैं HCB इसका नीचे भेज दूं तो ये एक्सप्रेशन क्या बनती है भाई, मिटा देते हैं इसको, यस बेटा। तो अगर मैं इसका HCB नीचे भेज देता हूं तो ये एक्सप्रेशन बनती है 1/λ = 2 आएगा, π² आएगा, भाई देख देख के लिखते जाओ, याद कौन रखेगा, mk² × e^4 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, H भी नीचे भेज दिया, C भी भेज दिया, तो इसके हिसाब से तो h³ × c हो जाएगा, नीचे आ गया ना, h² पहले से था, × 1/n² आ जाएगा, साथ में क्या था, z^2। अब थोड़ा सा फिर वही बात, डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, ये जो वैल्यू है इसमें सब चीज क्या है,
कॉन्स्टेंट है, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट। अब यार इसको फिर एक कॉन्स्टेंट मानकर आर बोल दिया जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 1.0973 इंटू 10 की पावर 7 आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यूनिट आप चेक कर सकते हो, ये तो नंबर है, इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं है, ठीक है। ये नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, बच गया क्या, 1 बाय लैम्डा। अब 1 बाय लैम्डा की यूनिट क्या बनेगी बेटा, पर मीटर। तो इसके लिए इसकी यूनिट क्या बननी चाहिए, पर मीटर, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है जी। इसकी वैल्यू 1.0, कई बार 1 भी लिखी जाती है, ध्यान रखना ये प्लस सेवन है। आमतौर पे -7 चलता है ना, लेकिन भाई ये +7 है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी जी, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। मतलब ये बहुत ही इजी फॉर्म में सॉल्व होगी। अब इसमें क्या है, सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आया ना, अब सेकेंड से फर्स्ट में आया तो यहां 2 पुट करते, यहां 1 पुट करते, सॉल्व कर ले, अपने आप क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक ये भी फार्मूला याद रखना बेटा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर। कभी कभी इसको वो ऐसे भी लिख देते हैं, न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। इसको कहते हैं वेव नंबर, 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट करो, बाकी थोड़ी सी डिस्कशन अभी और रह गई है। अब अगली बात यार, इस एक्सप्रेशन का भी काफी यूज हो जाएगा, जब इसका यूज करेंगे हम, इस चीज का जब यूज करेंगे तो बेटा मुझे बार बार ना जैसे वेवलेंथ निकालनी है, यहां पे 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर है, जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा सॉल्व करूंगा तो बार बार आर नीचे चल जाएगा। अब जैसे मैंने वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ उधर जाएगी, लैम्डा आर नीचे आ जाएगा, तो मुझे 1 बाय आर की वैल्यू बार बार जरूरत पड़ेगी। अब फिर वही बात है, मैं एक ही बार में निकाल के रख लेता हूं, उसको याद कर लूंगा। तो अगर मैं 1 बाय आर कैलकुलेट करूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.01 इंटू 1.01, या पूरी वैल्यू पुट कर ले, 1.0973 इंटू 10^7। अगर यानी इसको यहां पे पुट कर सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा, एक बार कैलकुलेट करके देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 बाय आर की वैल्यू, देख ये 10^7 जो है ये तो ऊपर चले जाएगा, ये -7 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.0973 को करोगे ना, ये 0.911 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं करके देख ले भाई, इसको लिख दूंगा मैं 911, ये 3 इसको दे दी मैंने, 10^-7 आ जाएगा। तो भाई 1 बाय आर की वैल्यू 7 तो था ही, 3 इसको और दे दी ना, 10 हो जाएगा भाई, ये -10। तो इसको 911 10^-10 को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं, क्योंकि बेटा आर की वैल्यू पर मीटर है, तो 1 बाय आर की वैल्यू फिर से मीटर यानी डायमेंशन तो डिस्टेंस वाली होगी ना। एक ये याद रखना यार, जितनी भी मैंने शुरू से लेके अब तक टिप्स दी है ना, टिप्स वो याद करनी पड़ेगी, 1 बाय आर की वैल्यू कितनी है, 911 एंगस्ट्रॉम है, ये भी याद रख ली। अगर ये याद रख ली तो इससे रिलेटेड बहुत सी बातें, बहुत से क्वेश्चन और क्लियर होंगे बेटा। कई तरह की एक्सप्रेशन देखो इस चैप्टर में मैंने दी है आपको, सबसे पहले वो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जब स्टार्ट ही किया था तो आपको क्या दे दिया, वो 12375 वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद भी देखो जीरो रेडियस निकाला, 0.529 वाली एक्सप्रेशन, एनर्जी निकाली तो -13.6
सिक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एक्सप्रेशन बेटा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट फार्मूलाज हैं, वही बेटा जी हमें क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक ये मान के चल लो न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक ही न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक है। अब जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे यार लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज वाली, उस पे आते हैं, उस पे भी एक पॉइंट डिस्कस करने वाला है। तो हमने बोला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक तो क्या आएगा, लाइमन सीरीज, ठीक है, उससे अगला क्या था, बाल्मर सीरीज, लाइमन बाल्मर, नेक्स्ट क्या था दी, पाश्चर, उससे अगला लाइमन बाल्मर पाश्चर ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज, ठीक है, लाइमन बाल्मर पाश्चर ब्रैकेट एंड पी फंड। इसमें मैंने बोला कि एक अपने पास एन वन होता है, एक एन टू होता है, एन टू तो दो से लेके इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, एन वन फिक्स है, जहां पे उसने आना है वन है, यहां पर जो एन टू है यार वो तीन से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, एन वन फिक्स है, यहां पर ये एन टू जो है वो चार से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, एन वन फिक्स है, यहां पर फिर वही बात N2 पांच से इंफिनिटी कहीं भी जाएगा, N1 फिक्स है, ब्रैकेट है ना, N1 फोर हो गया, फोर्थ लेवल पे आना है, और यहां पर फिर आपको पता ही है N2 ये छह से इंफिनिटी कुछ भी, N1 तुम्हारा फिक्स है, किसी भी हायर लेवल से फर्स्ट पे आती है तो लेमन, सेकंड पे आती है बाल्मर, थर्ड पे आती है पाश्चर ब्रैकेट पीफन, ठीक है जी, ओके। अब अपने पास एक एक्सप्रेशन है अभी अभी आई कि जी वेवलेंथ निकालनी हो तो क्या फार्मूला है, वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास क्या है एक्सप्रेशन है। अब जब भी वेवलेंथ निकालनी हो ना तो बेटा ये फार्मूला ही यूज करो, वन बाय आर की वैल्यू 911 एंगस्ट्रोम लगा देनी है, वो भी आपको बता दिया हमने, तो ये फार्मूला ही प्रेफर करो, जैसे किसी भी हायर लेवल टू लोअर लेवल आती है, बाकी मैंने बोला था एनर्जी वाला भी डायरेक्ट लगा देते हो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये यूज करो। अब इसमें ध्यान से सुनना, सोचो कि ये लाइमन है, लाइमन सीरीज है, ये एन इक्वल टू वन है, ये टू है, थ्री फोर ऐसे करके। अब बेटा अगर ये आएगा सेकंड लेवल से फर्स्ट पे आ गया तो इसकी भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ आएगी, और लास्ट जो इन्फिनिटी है वहां से आ गया तो भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ आएगी। अब बेटा ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है, तो जाहिर है इसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये वाली एनर्जी मिनिमम होगी। मैं क्या कह रहा हूं, सेकेंड से लाइमन में सेकेंड से भी आ सकती है, इन्फिनिटी से भी आ सकती है, तो जो सेकेंड से आ रही है ये जो वेवलेंथ रिलीज होगी ये वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और जब इन्फिनिटी से आएगा तो ये एनर्जी मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। मतलब कभी कभी वो कहता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो समझ लो अगर आप इंफिनिटी यूज कर रहे हो तो वेवलेंथ क्या आएगी, मिनिमम, अगर आप टू यूज कर रहे हो तो वेवलेंथ क्या आएगी, मैक्सिमम, क्योंकि इसकी एनर्जी मिनिमम है, इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो आ गया कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है जी।
अब मैंने बोला कि अगर मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो एन टू टू रखना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यार पहले मैं मैक्स निकाल रहा हूं, ठीक है। अब मैक्सिमम निकालने के लिए n1 तो तेरा फिक्स है ना, फर्स्ट लेवल पे आएगी, n2 दो से इंफिनिटी कुछ भी जा सकता है। अब मैक्सिमम के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेगा जब तू, 1 बाय लैम्डा मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बाहर है, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3 बाय 4, तो 1 बाय लैम्डा मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3 बाय 4 आर आ गया। लैम्डा मैक्स कितना आ गया, ये आ गया 4 बाय 3 आर आ गया। अब 1 बाय आर कितना निकाल रखा है मैंने, 911, यानी लैम्डा मैक्स कितनी आ गई, 911 इंटू 4 बाय 3। अब इसको देख सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर नोट करके रख ले, याद तो नहीं हो पाएगा लेकिन सॉल्व तो कर ही लोगे ना। तो ये क्या हो गई, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ। सारे नहीं निकाल के दूंगा भाई, सिखा दूंगा कि ऐसे निकालनी थी तो मैंने सिखा दी, ऐसे निकल जाएगी, सबकी निकल जाएगी। अपनी लिस्ट बना के रख लो सबकी, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम करके रख लो, इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एक की निकाल के दूंगा फिर मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ तो ये आ गई देख, 911 4 बाय 3। अगर मिनिमम निकालनी है तो मिनिमम के लिए n2 कितना पुट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी। तो उसके लिए क्या करते, फिर वही बात, 1 बाय लैम्डा। अब तूने मिनिमम निकालनी है तो ये आर तो था ही, 1 बाय n1 तो देख 1 ही रहेगा ना, ये इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी रहेगा, तो 1 बाय लैम्डा मिनिमम कितनी आ गई, आर आ गई। ये 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा, यहां से लैम्डा मिनिमम कितनी आ गई, 1 बाय आर, यानी कि 911 एंगस्ट्रॉम। 1 बाय आर की वैल्यू 911। अब कुछ चीजें तो रटो ना, किसी की भी मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो, किसी की भी। तो अब सबकी कहां कैलकुलेट करता रहूंगा, एक की कैलकुलेट करके दिखा दी मैंने। अब जैसे मान लो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, चलो एक की और कर देते हैं इस केस में, इसको नोट कर लो भाई। अगर मान ले बाल्मर छोड़ दिया मैंने, पास्चन, इसकी कैलकुलेट करते हैं भाई मैक्सिमम और मिनिमम दोनों, बस वैसी वैल्यू बिठा के बता देता हूं कि कहां पे कौन सी वैल्यू बैठेगी यार, बाकी सॉल्व फिर अपने आप कर लेना, ठीक है जी। तो बेटा अगर इसकी मान लो, इस केस की मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालनी हो तो तुम्हें पता है n1 तो फिक्स है, मिनिमम के लिए इंफिनिटी पुट करना है, मैक्सिमम के लिए 4 पुट करना है, मतलब मैक्सिमम के लिए सबसे छोटी वैल्यू यूज होगी ना। तो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी हो, मैक्सिमम, तो 1 बाय लैम्डा आर। अब देख 1 बाय n1 स्क्वायर ये तो फिक्स है ना, माइनस 1 बाय 16। अब इसको सॉल्व कर लेना, 1 बाय आर की वैल्यू 911 पुट करनी है। अगर इसकी मिनिमम निकालनी हो, ये मिनिमम है तो क्या आएगा, 1 बाय, ये n1 तो फिक्स है ना इसका 3, यहां क्या आ जाएगा 1 बाय इंफिनिटी आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, 3 था, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया मैंने। तो एक ये भी चीजें याद रखनी है बेटा, इसके नीचे सबके लाइमन वाल्मर पास सबकी मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं वो निकाल के अपना रख लो, कौन सी अल्ट्रा वॉलेट में है कौन सी विजिबल में है, ये भी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बस बेटा अपना नोट कर बढ़िया से बनाकर रख लो, ठीक है। लास्ट के कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स करके फिर हम ये टॉपिक ही क्या करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, टॉपिक अपना क्लोज हो गया,
लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने आप नोट्स में से क्या कर लेना, रीड कर लेना यार, इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बस रीड कर लेना। एक एक पॉइंट बता देता हूं। जैसे मान लो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कभी आ जाएगा लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। अब बहुत लिखी हुई होंगी, अब मैं उनको यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पढ़ने वाली बात हो जाएंगी। अब जैसे एक तो ये हो गया कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब दुनिया में तो 50 तरह के एटम है, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ओके, उसके अलावा जो इसने स्पेक्ट्रल सीरीज बताया, तो स्पेक्ट्रल सीरीज में बेटा जो लाइंस शो इसने कर दी ठीक है, लेकिन वो आगे भी स्प्लिट होती हैं, एक वो जीमन इफेक्ट आता है, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, उसके अलावा पूरी की पूरी स्टडी सर्कुलर ऑर्बिट मान के की गई है, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी होते हैं, तो ऐसे करके कुछ लिमिटेशंस होंगी। ये मान के चलो मैंने कराया नहीं है तुम्हें, बस मैंने हेडिंग लिखी है, ये आपको अपने आप कर लेना, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अब पढ़ने वाली चीजें वो थोड़ी अब यहां पे समझाता रहूंगा। बाकी कुछ दो चार डेफिनेशन है बेटा, जैसे ये क्या एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, किसी भी एटम को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो ग्राउंड लेवल पे था, ग्राउंड लेवल से मैंने सेकेंड लेवल पे पहुंचाना है, तो फर्स्ट से सेकेंड तक एक्साइट करने में कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब आपको पता है ये पहला है ये दूसरा है, इसके बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क होता है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, बाहर से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। तो बेटा ग्राउंड लेवल यानी फर्स्ट लेवल से किसी भी हायर लेवल तक एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बताया था दूसरा लेवल यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाने में ग्राउंड लेवल से जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। ग्राउंड से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि तीसरे लेवल तक पहुंचाने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहेंगे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। अब अंग्रेजी में इसको पढ़ लेना कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एनी एक्साइटेड स्टेट। ओके, ऐसे ही कहता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल है कि कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पोटेंशियल से भी एनर्जी मिलती है कि वो एक्साइट हो जाए। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ऐसे करके टर्म्स आएंगी, पढ़ लेना भाई। मैं बोल रहा हूं मैं करा नहीं रहा, मैं बस नाम लिख रहा हूं ताकि तुम्हें लगे कि कर लेना चाहिए। ऐसी आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बेटा आयनाइज ही कर देना, निकाल देना इलेक्ट्रॉन को बाहर। ग्राउंड स्टेट में उसके पास एनर्जी होती है -13.6। भाई यहां से इंफिनिटी पर पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इंफिनिटी पर एनर्जी होती है जीरो, ये है ग्राउंड स्टेट में -13.6। तो हाइड्रोजन एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो कितनी है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करस्पॉन्डिंगली आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया कि कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करें इसको कि इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइट हो जाए कि इतनी एनर्जी मिल जाए। बाकी आपको पता ही है अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एक्साइटेशन आयनाइजेशन एनर्जी है तो 13.6 वोल्ट ही करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है जी। ये 10.2 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट ही आ जाएगा, 10.2 वोल्ट। एक लास्ट आ गया बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है बेटा, कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है कितनी एनर्जी से बंधा पड़ा है वो उसकी क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी से बंधा पड़ा है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी न्यूक्लियस के चुंगल से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में। अब कितनी देनी पड़ेगी, +13.6। तो +13.6 ही इसकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कम्स आउट ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इंफिनिटी पे पहुंचे। एक तरह से आयनाइजेशन एनर्जी ही है उसकी बाइंडिंग एनर्जी।
तो इन डेफिनेशंस को बस रीड कर रहे ना भाई, मैंने कराया नहीं है, अब ये मत कहना कि ये तो समझ में नहीं लगा, मैंने कराया नहीं है, मैंने तो बस इनके नाम लिखे हैं कि भी तुम लोग इसको रीड आउट कर लेना, वैल्यूज लिख दी वो याद कर लेना, मैंने इससे पहले तक कराया था जो भी कराना था, ठीक है जी। तो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी खत्म हुई अपनी, ये जो एटम एंड न्यूक्लियर वाला पार्ट है इसमें एटम एंड न्यूक्लियर में से हमने एटम वाला पार्ट खत्म किया, पूरी मॉडर्न फिजिक्स तीन हिस्सों में, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर। न्यूक्लियर वाला पार्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, अभी इतना ही है, इसके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। तो अभी आप लोगों से विदा लेते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।